फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में, जहां पे आपको डेली माइनिंग सरदार से रिलेटेड एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही में जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता है। बात करते हैं आज के वीडियोस के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो SECL माइनिंग सरदार MCQ से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें कि हम SECL एनुअल रिपोर्ट से कुछ MCQ को कलेक्ट किए हैं और साथ ही में 2023 से कुछ अपडेटेड न्यूज, जो कि SECL से अपडेटेड न्यूज है माइंस के, कोई अवार्ड के और बहुत सारा अलग अलग तरीका का न्यूज और इवेंट्स है जो इस वीडियो में हम MCQ के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले SECL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली आ रहा है तो ऐसे ही डेली अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन SECL से रिलेटेड है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पहले का 5-6 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, उसके बाद आपको लेटेस्ट इवेंट और न्यूज से मैं अपडेटेड करूंगा SECL से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, SECL वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1975, 1985, 1995 या फिर 2005। ये आप सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मैंने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी अच्छे से बता दिया। अगर आपने अभी तक SECL का एनुअल रिपोर्ट का मेरा डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप अच्छे तरीके से डिटेल्ड वर्जन में SECL का एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 को SECL का निर्माण हुआ था, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड का निर्माण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, SECL इज अ डैश कैटेगरी कंपनी। SECL को कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, मिनी रत्न कैटेगरी, महारत्न कैटेगरी या फिर नवरत्न कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनी रत्न। SECL एक कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज द SECL लार्जेस्ट माइन। SECL में जितने भी माइंस प्रेजेंट है उसमें से सबसे बड़ा माइंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए कोरबा माइंस, ऑप्शन नंबर बी गेवरा माइंस, ऑप्शन नंबर सी दीपका माइंस या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कुसमुंडा माइंस। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेवरा। आप सभी को पता होगा कि गेवरा माइंस एक बहुत ही बड़ा माइंस है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट माइंस है गेवरा माइंस, ठीक है। तो ये जो है SECL का भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट माइंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु इज द CMD ऑफ SECL। बहुत ही बेसिक और साधारण सा ये क्वेश्चन है, SECL का CMD कौन है। ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर बी AP पांडा, ऑप्शन नंबर सी PS मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PS मिश्रा, प्रेम सागर मिश्रा जो है CMD यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है SECL के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका WCL एग्जाम में आया हुआ था, CIL का डायरेक्टर टेक्निकल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था WCL SECL का डायरेक्टर टेक्निकल के बारे में। WCL में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कोल इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर टेक्निकल कौन है। ऑप्शन नंबर ए VR गौतम, ऑप्शन नंबर बी VR रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी B वीरा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी B वीरा रेड्डी जो है वो डायरेक्टर टेक्निकल है कोल इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको डाटा दिया है या फिर देने वाला हूं वो सारा ऑथेंटिक डाटा है, या तो मैंने SECL के साइट से लिया और नहीं तो फिर SECL के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिया है जो खुद SECL पोस्ट करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें संशय नहीं करना है, सिंपल सा ऑथेंटिक ही आपको सारा जानकारी दिया जा रहा है माइनिंग मिनिस्ट्री चैनल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, SECL रिसीव्ड CIL कॉर्पोरेट अवार्ड डैश प्राइज इन रिहेबिलिएशन एंड रिसेटलमेंट, यानी R&R रिहेबिलिएशन और रिसेटलमेंट के लिए SECL को कोल इंडिया द्वारा कौन सा प्राइज, मतलब कितने नंबर का प्राइज दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन नंबर सी थर्ड ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि रिहेबिलिएशन और रिसेटलमेंट के लिए SECL को CIL कॉर्पोरेट अवार्ड के टाइम फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ SECL इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। आप सभी को ये पता होगा, ऑप्शन नंबर ए 160 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी 137 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी 167 मिलियन टन या फिर ऑप्शन नंबर डी 179 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 167 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में प्रोडक्शन रहा है SECL का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SECL, जब से SECL का निर्माण हुआ है यानी कि 1985 से अभी तक का SECL का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यानी मैक्सिमम कोल आउटपुट कब
किस साल में SCCL ने प्रोड्यूस किया है, ऑब्टेन किया है? 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 1985-1986 यानी स्टार्टिंग के टाइम में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2010 और 2011 के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा अभी लेटेस्ट में जो एनुअल रिपोर्ट है, सॉरी लेटेस्ट में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 2022-23, उसमें SCCL ने अब तक का, जब से स्थापना हुआ है अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किया है, ठीक है, जो 167 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच कोल माइंस ऑफ SCCL एम्स टू मेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइंस। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, 2-3 दिन पहले का ये न्यूज है कि SCCL जो है अब किसी एक माइंस को एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है, और इस तरह से वो एक्सपेंस इस तरह से फैलाना चाहता है कि उस माइंस का वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस बनाना चाहता है। कौन सा वो माइंस है? ऑप्शन नंबर ए कोरबा, ऑप्शन नंबर बी गेवरा, ऑप्शन नंबर सी भटगांव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। कोई ऐसा माइंस नहीं है, SCCL का कोई माइंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइंस नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेवरा माइंस। गेवरा माइंस जो है उसको SCCL अब एक्सपेंशन करने वाला है, और कुछ इस तरह से एक्सपेंड, कुछ इस तरह से उस माइंस को बड़ा कर रहा है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल माइंस बन जाए। सोचिए ये अपने आप में एक हिस्ट्री होगा, एक कीर्तिमान इंडिया जो है वो रचने जा रहा है, SCCL रचने जा रहा है। अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मूड बन रहा है, ऐसा तैयारी किया जा रहा है कि SCCL को वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। SCCL गेवरा इज वर्ल्ड डेथ लार्जेस्ट कोल माइन एट प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट कोल माइंस बनने वाला है गेवरा, जो SCCL सब्सिडरी का है। अभी फिलहाल यानी प्रेजेंट में वर्ल्ड का जो रैंकिंग है सबसे बड़े कोल माइंस का, उसमें कितने नंबर पे है गेवरा माइंस जो SCCL का माइंस है? ऑप्शन नंबर ए सेकंड, ऑप्शन नंबर बी थर्ड, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्थ। अभी चौथे पायदान पे है गेवरा माइंस जो है वो पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा माइंस है, जिसको बहुत ही जल्द SCCL क्या करने वाला है, फोर्थ से फर्स्ट में लाने वाला है, ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है। SCCL ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, SCCL गॉट डैश प्राइज फॉर ERP इंप्लीमेंटेशन एट कोल मिनिस्टर अवार्ड 2022-23। 2022-23 जो कोल मिनिस्टर अवार्ड था उसमें ERP इंप्लीमेंटेशन के लिए SCCL को कौन सा प्राइज दिया गया? फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्थ प्राइज? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SCCL को फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हु इज SCCL डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन SCCL के कौन है? ऑप्शन नंबर ए SP शर्मा, ऑप्शन नंबर बी AP सिंह, ऑप्शन नंबर सी SK पाल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SK पाल। ये सब भी आप डाटा अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, इन केस क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में अगर एक बार भी आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खनन प्रहारी ऐप इज लॉन्च्ड टू प्रिवेंट। खनन प्रहारी ऐप जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है वो किस चीज को रोकने के लिए किया गया है? माइंस में एक्सीडेंट को रोकने के लिए, माइंस में जो कभी कभी रॉन्ग सर्वे हो जाता है जिसके कारण बहुत ही दुखद एक्सीडेंट या फिर बहुत कुछ होता है उसको रोकने के लिए, या फिर इलीगल माइनिंग जो भारत में इतना अब बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलीगल माइनिंग, ठीक है। खनन प्रहारी ऐप जो है वो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए किया जा रहा है। आपके आसपास भी अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो आप खनन प्रहारी ऐप पे सूचित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी माइंस गेट्स स्टार रेटिंग फ्रॉम कोल मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2023। एक्चुअली इसमें SCCL का बात किया जा रहा है, हाउ मेनी माइंस ऑफ, यहां पे लिख लीजिए SCCL, टोटल माइंस का बात नहीं किया जा रहा है पूरे कोल इंडिया लिमिटेड का, यहां सिर्फ SCCL का बात किया जा रहा है। SCCL के कितने माइंस को स्टार रेटिंग मिला है कोल मिनिस्ट्री अवार्ड अप्रैल 2023 में? ऑप्शन नंबर ए 65, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी 61, ऑप्शन नंबर डी 57। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 63। टोटल 63 माइंस को स्टार रेटिंग अवार्ड, मतलब स्टार रेटिंग दिया गया है कोल मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रैल 2023 में। अगर आपको SCCL का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल पे CMR का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही में SCCL MCQ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिससे जुड़ के, जिसके गो थ्रू करके आप एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के, हर पार्ट में आपको 20 MCQ मिलेगा, वो 20 MCQ को प्रैक्टिस करके आप अपने तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं,
प्रोडक्शन ऑफ गेवरा माइंस इन 2022-23। गेवरा माइंस जो है अभी कुछ महीने में बहुत चर्चित रहा है, क्योंकि गेवरा माइंस जो है वो पहला माइंस बना है इंडिया का जो 50 मिलियन टन प्रोडक्शन को अचीव किया है। फर्स्ट माइंस, सोचिए 50 मिलियन टन। कोई कोई सब्सिडरी ऐसा है जो पूरा सब्सिडरी मिला के 50-60 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा है, और SCCL का गेवरा माइंस जो है वो अकेले एक फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन पार किया है 2022-23 में। तो अब सिंपल सा इसका मैं क्वेश्चन एक्यूरेट आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 22-23 में गेवरा माइंस का प्रोडक्शन कितना था, 40 मिलियन टन, 50 मिलियन टन एक्यूरेट, 52.50 मिलियन टन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 55.3 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52.50 मिलियन टन प्रोडक्शन रहा है 22-23 का, जो कि इंडिया का फर्स्ट माइंस बना है जो 50 मिलियन टन क्लब में इंटर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोडक्शन ऑफ SCCL अंडरग्राउंड माइंस। SCCL का प्रोडक्शन अंडरग्राउंड माइंस में 2022-23 यानी कि ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, 21-22 का मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बात चल रही है 22-23। ये आपको एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा, साइट में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको SCCL का ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके ये डाटा देखना पड़ेगा, वहीं से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। बिल्कुल आप इस डाटा पे ऑथेंटिक तरीके से विश्वास कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई संदेह करने का आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन है 30 मिलियन टन, दूसरा ऑप्शन है 11 मिलियन टन, तीसरा ऑप्शन है 15 मिलियन टन और चौथा ऑप्शन है 23 मिलियन टन। टोटल प्रोडक्शन इस माइंस का आपको पता है, सॉरी इस पूरे सब्सिडरी का, SCCL का पता है 167 मिलियन टन है, उसमें से मात्र 11 मिलियन टन जो है वो अंडरग्राउंड माइंस से प्रोडक्शन हुआ है, यानी 156 मिलियन पूरा का पूरा ओपन कास्ट और 11 मिलियन टन हुआ है अंडरग्राउंड माइंस से। उसमें भी 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद SCCL ने इतना प्रोडक्शन किया है जिसमें 1% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाटर डाइजेस्ट अवार्ड इन 2023 इज गिवन टू, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने SCCL एनुअल रिपोर्ट में भी बताया था, 2023 में वाटर डाइजेस्ट अवार्ड किस सब्सिडरी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए CCL, ऑप्शन नंबर बी NCL, ऑप्शन नंबर सी MCL, ऑप्शन नंबर डी SCCL। इसका राइट आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है अभी SCCL की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SCCL। वाटर डाइजेस्ट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 2023 में SCCL को प्रदान किया गया है। अब देखिए एक बहुत ही विवादित सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, टोटल ऑपरेटिंग माइंस इन SCCL। ठीक है, इसको इसका डाटा अगर आप ऑफिशियल साइट पे देखिएगा आपको कुछ और मिलेगा, आप अगर इसका डाटा 21-22 के एनुअल रिपोर्ट में देखिएगा वहां आपको डाटा कुछ और मिलेगा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे देखिएगा वहां इसका डाटा आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन अभी इसका जो मैं राइट आंसर मानने वाला हूं वो जो ऑफिशियल साइट पे SCCL का दिया हुआ है उसी को मैंने एक तरह से समझिए एज अ राइट आंसर यहां पे मैंने पुट किया है। तो टोटल ऑपरेटिंग माइंस ऑप्शन नंबर ए 67, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 62, ऑप्शन नंबर डी 66। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर एज पर ऑफिशियल वेबसाइट, मैं फिर से बोल दूं, आप लोग नहीं तो फिर कमेंट करके बोलिए कि सर मैंने यहां पे ये देखा है यहां पे ये देखा है, मैं बोल दे रहा हूं ऑफिशियल वेबसाइट जो SCCL का है उसका अबाउट अस में जब आप जाइएगा तो आपको ये डाटा मिलेगा कि SCCL में टोटल अभी 67 ऑपरेटिंग माइंस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टोटल माइंस ऑफ SCCL इन छत्तीसगढ़ स्टेट। SCCL का माइंस कहां कहां फैला हुआ है आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में SCCL का माइंस फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि SCCL का कितना माइंस जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 41। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 41। ये भी डाटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी साइट को देखने की जरूरत नहीं। आपको कोई भी ऑथेंटिक डाटा चाहिए तो आप या तो ट्विटर हैंडल और नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए। ट्विटर हैंडल को मैं इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि वहां पे है जो अपडेटेड न्यूज मिलता है, SCCL का जो वेबसाइट है वो बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोल फील्ड इन SCCL, ये भी एक विवादित टॉपिक है क्योंकि आप वेबसाइट में ही देखिएगा तो कहीं पे आपको 3 मिलेगा कहीं पे 4 मिलेगा। ठीक है, 3-4 कौन सा है मैं आपको बता दूं, पहला सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, दूसरा कोरबा कोल फील्ड और तीसरा मंद रायगढ़ कोल फील्ड, और यही उसी साइट में आप दूसरे पेज पे जाइएगा तो आपको एक चौथा भी मिलेगा एक्स्ट्रा, रामकोला एंड टाटा पानी कोल फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कोल फील्ड इन SCCL क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस वेबसाइट, किस नॉलेज के थ्रू आप इनहेंस कर रहे हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही SCCL से इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज जो है वो चलता रहेगा, आप इसी तरह हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करते रहे, चैनल पे विजिट करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग।